हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज की रेसिपी सीरीज में हम बनाने वाले हैं आम की खट्टा मीठा चटनी, है ना। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है आम का, और बहुत सारे जो कच्चे आम होते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे लू लगने से भी बच सकते हैं आप ऐसे। और ऐसे कच्चा आम खाया नहीं जाता है, तो आज हम इसको खट्टा मीठा चटनी बना के सेव करके रख सकते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, और अच्छे से इसे खा सकते हैं आप चाहे तो। इसमें आइए हम देखें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है। हमने लिया है ये थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच डाल यूज होगा। आपके घर में जो ऑयल यूज होता है आप उसे यूज कर सकते हैं, या ऑयल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये है 5 फोरन जो तड़के में हम यूज करने वाले हैं। ये है चीनी 1 कटोरी मीठे के लिए। ये है जीरा पाउडर 1/2 चम्मच है, इसमें मसाले ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये 1/2 चम्मच है काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच है ये धनिया छोटा चम्मच से। ये है नमक स्वाद अनुसार, और हमने ये 1/2 kg जो है आम लिया हुआ है कट करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे, इसमें कढ़ाई को गर्म करेंगे गैस के ऊपर। ये हम ऐड करते हैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, कढ़ाई पहले से ज़्यादा गर्म हो चुका था। इसमें ऐड कर देंगे हम ये तड़का। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। इसको थोड़ा सा पकने देंगे हम हल्का, फिर हम इसके अंदर सारा सामग्री ऐड करेंगे। मैं इसे थोड़ा हल्के हाथों से इसको बार बार थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, चलाएंगे इसको ताकि नीचे पकड़ न लेंगे। ये हमारा आम पक रहा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा इसको मिक्स करके थोड़ा देर के लिए और ढक के रखेंगे, थोड़ा सा और गल जाएगा ये पीसेस जो है इसका। ये देखिए कैसे गल रहा है आम, है ना। इसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च पाउडर, ये इससे थोड़ा चटपटा लगता है चटनी। और डालेंगे थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा है लाल मिर्च पाउडर, तो हमने मिक्स कर दिया है। इसी के साथ डाल देंगे हम ये शक्कर। शक्कर ज्यादा लगता है क्योंकि आम खट्टा होता है ज्यादा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर हमने। अब ये हमारा चटनी बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए देखने में भी काफी आपको खूबसूरत दिख रहा होगा, बहुत लजीज चटनी बनता है ये। आप सेव करके रख सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं हम ये। और इसको पकने के लिए हम एक उबैया, अभी कच्चा है आम पका नहीं है पूरी तरह से, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे। ये देखते हैं, ये देखिए आम बिल्कुल पक गया है, चटनी बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और इसको पक जाने देंगे और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसे हम सर्व करेंगे। देखिए चटनी कितना कलरफुल लग रहा है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इसे बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसे अब हम सर्व करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर दे रहे हैं हम। ये हम सर्व कर रहे हैं, चटनी बन के रेडी हो चुका है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत वो लगता है।
ये देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है, ये पीसेस भी है एक एक करके, ये देखिए। आप इसे ज़रूर घर में बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब ये अच्छा लगते हैं, जब भी आपको ये अच्छा लग रहा हो या अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इसे घर में ट्राई करें, बनाएं, दो फ्रेंड में शेयर करें। ये बच्चे भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ये इंजॉय करते हैं इसे खा के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।